The Dawn Express. Aina Sashka. नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉन एक्सप्रेस और मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ। आपके लिए लेकर आई हूँ तमाम देश और दुनिया भर की खबरें। आपको बता दें कि आज हम अपने इस न्यूज़ बुलेटिन में आपको बताएंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किस तरह से अपना 17वां जन्मदिन मना रहे हैं। जी हाँ, आज 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। और आपको ये भी बताएंगे कि हेमा मालिनी ने खुद सिनेमा जगत के होते हुए भी सिनेमा वालों को क्या कहा है, उसके लिए आपको अंत तक हमारे ये वीडियो के साथ बना रहना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। आपको बताना चाहते हैं कि आज भारत यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपना 17वां जन्मदिन मना रहे हैं। जी हाँ, आज 17 सितंबर को उनका जन्म दिवस होता है और इसी उपलक्ष में देश विदेश से हर कोई उनको बधाइयाँ दे रहा है। कल रात 12 बजे से ही उनके पास बधाइयों का तांता लग चुका है। और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस जन्म दिवस को मना रहे हैं एक विशेष तौर से। जी हाँ, वो सब इसको सेवा सप्ताह के नाम पर मना रहे हैं और 2 या 4 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, जिसमें गरीबों की हर इच्छा पूरी की जाने की बात सामने आ रही है। जी हाँ, उनको तोहफे भी बांटे जाएंगे, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाएगा। इस तरीके से मना रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री अपना जन्मदिवस। हम आज द डॉन एक्सप्रेस में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जन्मदिवस की। आप ऐसे ही रहिए हमारे देश के साथ और ऐसे ही अपने फैसले जो अच्छाई के लिए आपने उठाए हैं वो ऐसे ही लेते रहिए। आपको बताना चाहते हैं कि जहां हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां पर भारत भी चांद तक पहुंच गया, जहां भारत के लोग देश विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं, वह भारत का एक ऐसा भी इलाके है जहां पर आज भी जात पात के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं बीकानेर के पास, जो राजस्थान में बीकानेर है उसके पास एक गांव की, जहां पर प्रदीप नाम के एक दलित वर्ग के इंसान को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उनकी मूंछें बहुत ही घनी और लंबी थी। जी हाँ, आपको सुनकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा होगा। दरअसल ऊंची जाति वाले हमेशा उनकी मूंछों को देखकर जलते थे और उनको हमेशा धमकियाँ दी जाती थी कि वो अपनी मूंछें कटवा लें क्योंकि वो एक दलित वर्ग के हैं, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज करते रहे। हालांकि इस बार उनके साथ मारपीट की गई, उनको धमकाया गया, जब वो अंत तक नहीं माने तो उनके सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। जी हाँ, ये बहुत ही दुखद बात है कि हमारे देश में आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो जात पात को लेकर किसी की जान तक ले लेते हैं। जया बच्चन और रवि किशन का मामला तो हम सब जानते ही हैं किस तरह से तूल पकड़ता गया, लेकिन इसमें कूदी थी कंगना रनौत और बयानबाजी रुकने का अभी तक नाम नहीं ले रही है। लेकिन हाल ही में कूद पड़ी हैं हेमा मालिनी जी। जी हाँ, बीजेपी से हैं वो, लेकिन तब भी उन्होंने बॉलीवुड के होते हुए बॉलीवुड वालों का पक्ष सामने रखा है। साथ ही उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा है कि सिनेमा जगत के कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसान के रूप में भगवान का अवतार हैं। जी हाँ, इतनी बड़ी बात कही है हेमा मालिनी जी ने। उन्होंने उदाहरण दिया है धर्मेंद्र जी का, राजेश खन्ना जी का, अमिताभ बच्चन जी का, और कहा है कि सिनेमा जगत में कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ये सिनेमा जगत को बदनाम करने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको बदनामी दी जाए। उन्होंने साथ ही ये कहा कि नेपोटिज्म जैसी भी कोई चीज़ नहीं है, ये बहुत ही स्वाभाविक बात है कि अगर कोई एक्टर है तो उसका बेटा खुद भी एक्टर बनना चाहता है। इस बात पर हेमा मालिनी ने पूर्ण रूप से बॉलीवुड का पक्ष रखा है। देखते हैं और वक्त बताते हैं कि किस तरीके से अब हेमा मालिनी भी ट्रोल हो सकती हैं। पूरी पूरी संभावनाएं हैं, लोग उनके विपक्ष में उतर रहे हैं, कुछ लोग उनके पक्ष में भी बात कर रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि जब से बैंकिंग संशोधन संसद में पास हुआ है, तब से एक मामला बहुत ही गहराता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। जी हाँ, दरअसल तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने सीतारमण जी पर बहुत ही भद्दी टिप्पणी दी है। जी हाँ, जब सभी लोग उस संशोधन का विरोध कर रहे थे,
तब उसके विरोध के साथ साथ सीतारमण जी पर उन्होंने बहुत ही भद्दी टिप्पणी की, जिसकी आलोचना पूरे सांसद कर रहे हैं। जी हाँ, उनसे ये मांग की जा रही है कि वो एक महिला के ऊपर किस तरीके से इतनी भद्दी टिप्पणी कर सकते हैं, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और भी बातें उनके विरोध में पूरे संसद में उठ रही हैं। कपिला वात्स्यायन जी का निधन होने के बाद मानो भारत ने एक रत्न खो दिया। जी हाँ, 91 साल की ये महिला कोई आम महिला नहीं थी, बल्कि ब्यूरोक्रेट, सांसद, नृत्यांगना, इतिहासकार रही हैं। जी हाँ, वो एक स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री थी, जिन्होंने भारत में कई ऐसे काम किए हैं, कई ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया है जो आज बहुत सारे लोगों के काम आती है। आज हम द डॉन एक्सप्रेस में उनको नमन करते हैं। अब बात करते हैं मंगलुरु से एक ऐसी होनहार छात्रा की जिसने सबका नाम रोशन कर दिया। दरअसल 16 वर्षीय आदि स्वरूपा ने एक नया ही कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने एक मिनट में 40 शब्द लिखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल ये कीर्तिमान उनकी कड़ी मेहनत के बाद ही मिला है। दोनों हाथ से लिखने की प्रैक्टिस उन्होंने इतनी की कि वो एक मिनट में 40 शब्द लिख पाई, और इसी के साथ ही उन्होंने गिनीज वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। हम सब उनको शुभकामनाएं देते हैं, और साथ ही एक और खास खबर आपको दे दें कि ये उपहार उन्हें अपने जन्मदिवस पर मिला है, तो ये जन्मदिवस उनके लिए खास बहुत रहा है। संजय राउत का नाम आजकल बहुत सुर्खियां बटोर रहा है, ये हम सब जानते हैं। चाहे वो महाराष्ट्र सरकार के पक्ष में बार बार बोलने के लिए हो, या फिर कंगना रनौत को कुछ भी उटपटांग बोलने के लिए, एक बार फिर से संजय राउत सामने आए हैं। इस बार वो फिर से शायद कंगना को पलटवार करना चाहते हैं। दरअसल जया बच्चन जी ने संसद में खड़े होकर जिस तरीके से बॉलीवुड का पक्ष सामने रखा, उसी को लेकर संजय राउत उनके पक्ष में खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जया बच्चन जी ने जो भी कहा है वो 100% सही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वो होना देना नहीं चाहते। उन्होंने ये कहा है कि बॉलीवुड को बदनाम करना मानो हमारी संस्कृति को बदनाम करना जैसा है। उन्होंने कंगना के बारे में कहा कि कंगना ने जिस तरीके से जया बच्चन जी पर पलटवार किया है, जया बच्चन जी इस खासी बहस में पढ़ना ही नहीं चाहती। बच्चन परिवार बहुत ही शरीफ है, और उनको इस तरीके से, कंगना को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे पर जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो उन लोगों को सबूत लाने चाहिए। उनको आदित्य के खिलाफ सबूत पेश करें, तभी किसी पर हम इल्ज़ाम लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ड्रग्स की बात है तो ये केंद्र सरकार को सोचना और समझना होगा, और रोक लगानी चाहिए। अब बात करते हैं द्रौपदी की, जिसको हर कोई जानता है। जी हाँ, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हर कोई जानता है, हर किसी को उसकी कहानी पता है। अगर महाभारत की द्रौपदी यानी पांचाली की बात करें, तो आज आपको बताते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। दरअसल युद्ध होने के बाद जब हस्तिनापुर में वो स्थापित हुए, उसके बाद उन्होंने अपनी पांडवों ने द्रौपदी के साथ अपनी हिमालय की यात्रा शुरू की। इस दौरान उन्होंने उत्तर से अपनी यात्रा शुरू करके जब वो ऋषिकेश में रुके, तब उसके बाद उन्होंने हिमालय को पार किया। हिमालय को पार करते ही द्रौपदी की मृत्यु हो गई। तब सब ने कहा कि क्यों द्रौपदी की सबसे पहले मृत्यु हुई, तो युधिष्ठर ने इसका यही जवाब दिया कि वो अपने स्वर्ग के रास्ते में हमें साथ नहीं ले जा सकती थी। जी हाँ, और ये भी बता दें कि कुछ लोग उनको ग्राम देवी के रूप में भी पूछते हैं। दरअसल उन्होंने अर्जुन से शादी की थी। जब अर्जुन ने द्रौपदी को हरा कर उनसे विवाह रचाया था, तो उनकी माँ ने गलती से उनको ये कह दिया था कि जो भी तुम लाए हो वो पांचों में बांट लो। इस तरीके से उनका नाम पांचाली पड़ा, क्योंकि वो अर्जुन की नहीं बल्कि पांडवों की धर्मपत्नी बनकर उनके साथ रही। ये थी द्रौपदी की कहानी, किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई। आपको बताना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, ऐसा लगता है मानो लोगों की हर प्रार्थना पूरी होने को है। सीबीआई ने जिस तरीके से जांच कर रही है, और ईडी और एनसीबी भी इसमें लग चुकी है, अगर देखा जाए तो शायद सुशांत को इंसाफ मिलने की एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। लेकिन बॉलीवुड के कई सितारे ऐसे हैं, 99%
जो सुशांत के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन अगर रिया चक्रवर्ती की बात आती है तो वो उसका समर्थन करते नजर आते हैं। हाल ही में ट्विंकल खन्ना भी, जो अब तक शांत थी, रिया चक्रवर्ती के समर्थन में उतरी हैं। उन्होंने मीडिया को अनाप शनाप बातें कही हैं, कहा है न जाने ये एंकर ऐसा क्या करते हैं, क्यों रिया के बारे में ये सब लिख रहे हैं, किस तरीके से कैमरा बंद होने के बाद वो आपस में बातें करते होंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि एक मंच है और एंटरटेनर सबको एंटरटेन कर रहा है, लोग भी इनकी बातों में आ रहे हैं। लगता है ड्रग्स मामले को लेकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है और इस बात का गुस्सा अक्षय कुमार को झेलना पड़ा। अक्षय कुमार वैसे ही शक के कटघरे में हैं, जब से उन्होंने फौजी नाम का एक गेम लॉन्च किया है। अटकलें हैं कि वो सुशांत का उन्होंने चोरी किया है, जी हाँ। और इसके साथ अब जब उनकी धर्मपत्नी ट्विंकल खन्ना ने ये बात कही है तो लोग उनसे और नाराजगी जाहिर कर रही हैं। सबसे सस्ता डेटा और पैक देने वाली कंपनी जो ये दावा करती है वो है जियो, और अब उसने 598 का एक नया पैक निकाला है जो प्रीपेड कस्टमर्स के लिए है। और इस धमाके में एक बहुत बड़ी जानकारी है, और वो ये जानकारी आप सबके लिए ये है कि आप 598 को 56 डेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही डिज्नी और हॉटस्टार की एक साल की प्रिस्क्रिप्शन आपके लिए फ्री होगी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी जानकारी है जो हम यहाँ पे डॉन एक्सप्रेस में आपको दे रहे हैं। अगर आप जियो के प्रीपेड कस्टमर हैं तो अगली बार ये 598 का प्लान आप ले सकते हैं और हॉटस्टार इन्जॉय कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल दावे के साथ की जा रही है कि 2G डेटा हर रोज़ मिला करेगा और लोग इस तरीके से इन्जॉय कर पाएंगे सस्ते में इंटरनेट। संसद में आजकल एक मामला बहुत ही गंभीर रूप से गरमाया हुआ है, और वो ये है कि एक बात जो सामने आ रही है वो ये है कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने भारत के 12 राज्यों पर अपना आधार स्थापित कर लिया है। जी हाँ, ईरान और सीरिया के बाद अब भारत के 12 राज्यों में वो अपना स्थान आधार बनाना चाहता है, जिसमें कि केरल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, बिहार, आंध्र प्रदेश, ऐसे सभी राज्य शामिल हैं। ये 12 राज्य हैं जहां पर इस्लामिक स्टेट सक्रिय हो चुका है। जी हाँ, ये बहुत ही दुखद और डरावनी खबर है जो हम आपको दे रहे हैं। साथ ही हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 2014 में इस संगठन ने सीरिया और इराक में अपनी पैठ जमाई थी, और अब भारत के 12 राज्यों की अगर बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही डरावनी खबर है। अब केंद्रीय सरकार इस पर क्या ठोस कदम उठाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल द डॉन एक्सप्रेस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डॉन एक्सप्रेस के साथ, और अंत तक हमारी वीडियो जरूर देखिएगा। अंत तक देखने के बाद आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। अपना ख्याल रखिएगा। से आबाद, डेली हंट डेली होम। नमस्कार।